देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल मयंक की हत्या का मुख्य शूटर दबोचा गया। आज गदरपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मयंक की हत्या के आरोपी को धर दबोचा। एसएसपी वरिंदर सिंह जीत ने बताया कि मयंक हत्याकांड की गंभीरता से जांच और खुलासा करने में पुलिस लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मयंक हत्याकांड के शूटर वीरेंद्र सिंह उर्फ सनी निवासी गोविंद नगर ब्रह्मापुरी काशीपुर गदरपुर में ही एक अवैध पिस्टल तथा दो कारतूस के साथ मिलने की सूचना मिली। हम आपको बता दें कि दिनांक 13/1/2019 को मयंक, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्त था तथा माधो टांडा थाना जिला पीलीभीत में डायल 100 में नियुक्त था, जिसका जमीनी विवाद मनोज दुबे नाम के चंदेल गाँव के ही निवासी से चल रहा था। इस विवाद में मनोज दुबे ने उक्त भूमि पर तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा ले लिया था। इस भूमि पर मनोज तथा बैंक आदि में विवाद चल रहा था। मनोज दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर गदरपुर थाना क्षेत्र के खालसा ढाबे पर मयंक की हत्या कर दी। आपको बता दें कि चंदेला गांव उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती गाँव है तथा गदरपुर थाना क्षेत्र से 7 किलोमीटर दूर है। घटनास्थल से गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जिस पर दोनों पक्ष खालसा ढाबे में हुए विवाद में मयंक की हत्या कर दी थी। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।